स्किल सीखना कितना जरूरी है और पढ़ाई के साथ साथ स्किल की कितनी अफादियत है। आप प्रेम सिद्धि की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आपको पता है कि हम मुख्तलिफ बिजनेस के हवाले से आपको अपडेट देते रहते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेसेस कैसे किए जाएं और कहाँ कौन से बिजनेसेस जो हैं पाकिस्तान में हो सकते हैं। हम पाकिस्तान के जो लोग हैं जो जिस तरह के हमारे काम हो रहे हैं हम उसके मुताबिक कोशिश करते हैं कि आपको अवेयरनेस दें और कोशिश करते हैं कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की तरफ आएँ ताकि आप अपनी नौकरियों से जान छुड़ा के कोशिश करें कि अपने बिजनेस में पढ़ें और बिजनेस में जो है ना आपको पता है कि बहुत फ़ायदा है, नौकरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, साथ साथ हम आज जो मौजू है हमारा, बेसिकली मौजू हमारा ये है कि स्किल सीखना कितना ज़रूरी है। स्किल जो होता है आपको कोई मतलब ये कि आपको काम करना तो कैसे आप काम कर सकते हैं और पढ़ाई के साथ साथ स्किल की कितनी अफादियत है वो हम आपको इंशाल्लाह ताला इसके अंदर बताएंगे। मैं सबसे पहले तो आपको इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, वालदेन हैं, ख़ासतौर से वालदेन अपने बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, हर वालदेन की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को अपने से ऊपर देखें या अपने से बहुत अच्छी जगह पे, अच्छे मकाम पे देखें। तो बच्चों का जब शुरू से बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ना तो पढ़ाई भी अपनी जगह ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनका विजन जो है, दिमाग जो है ना बड़ा करें, उनका दिमाग बड़ा करें, बड़ा खोलें उनका दिमाग। उसको ये ना कहें कि आप इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आप कहीं पे अच्छे नौकर हो जाएं, ठीक है ना। आप इसलिए उसका जहन ये ना बनाएं कि आपने जनाब पढ़ने के बाद कहीं पे नौकरी करनी है। आप उसका जहन ये बनाएं कि आपको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप नौकरियाँ जनरेट करने वाले बने, ठीक है ना। अब ये दो बातें अलग अलग है। एक इस बात को जब आप देखते हैं ना कि सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा जाती फायदा होगा और दूसरा मौजू ये है कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपने बहुत सारे लोगों का भला करना है। अच्छा, इसके अंदर उसका विजन बढ़ जाता है, जहन बढ़ जाता है, सोच बढ़ जाती है। वो ये सोचता है कि मैं क्या ऐसा करूँ कि जिसके अंदर मैं नौकरियाँ क्रिएट करने वाला बन जाऊँ। तो इसके अंदर अब आप बेशक अपने बच्चे को चाहे डॉक्टर बना लें, चाहे इंजीनियर बना लें, चाहे आप प्रोफेसर बना लें, चाहे कुछ भी बना लें, तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरह ट्रेनिंग दें कि वो बच्चे ये कहें कि जो आज ये जो इंजीनियर बन रहे हैं, मैं कल ऐसा इदारा एक बनाऊँ कि मेरे नीचे कई इंजीनियर मेरे पास जॉब कर रहे हों, मैं ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं कि कई मैं जनाब यहाँ पे डॉक्टर्स को अपनी तनख्वाह पे मैंने रखा हुआ हो, ठीक है। तो जब जो बच्चा इस तरह ग्रोथ करेगा तो उसका विजन जो है ना बढ़ जाएगा और जब अगर अल्लाह ना करे जब वो अगर इसमें कामयाब नहीं भी होता ना तो वो अगर जॉब ही की तरफ जाएगा तो वो एक अच्छी जॉब की तरफ जाएगा क्योंकि उसका विजन बड़ा होगा। अब खुदा ना खासा एक बच्चे को हम जब ग्रोथ कर रहा होता है उसको ये तैयार करते हैं कि तुमने नौकरी करनी है इसलिए पढ़ना है, नौकरी करनी है इसलिए पढ़ना है और खुदा ना खासा वो इतना नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसका दिमाग इतना ही होता है कि बस मैंने नौकरी करनी है और वो उस काबिल भी नहीं। बहुत सारे बच्चे हमने देखे रहते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको अपने तजर्बात की बुनियाद पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता ये पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सिखाएं, छोटे छोटे स्किल जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो है उनको सिखाना शुरू करें, उनको बिजनेस के टिप्स देना शुरू करें। आजकल यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी आपको जो है ना यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगी और आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। हमारे साथ भी जो लोग रबते में हैं, बहुत सारे मेरे पास इस टाइम हज़ार हाँ लोग मेरे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को हम टिप्स देते हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं लोग। और हमारे पास अगर यहाँ जो पिंडी इस्लामाबाद से लोग हैं वो तो मेरे पास पहुँच जाते हैं यहाँ पे, और अगर जो हमारे पाकिस्तान से दूसरे शहर में, पाकिस्तान के दूसरे शहर में हैं या पाकिस्तान से बाहर जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, ख़ासतौर से ओवरसीज़ हमारे जो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या पाकिस्तान से के अंदर जो लोग हमारे से मशवरा करना चाहते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में जो है ना सवाल वगैरह कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम उनको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे कि आप अपने बिजनेसेस कैसे कर सकते हैं।
और कोशिश मेरी ये होती है कि बगैर इन्वेस्टमेंट के जो है ना, आपकी आपके पास बेशक इन्वेस्टमेंट हो, आपकी इन्वेस्टमेंट साइड पे होनी चाहिए, और आप बगैर इन्वेस्टमेंट के जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और उसके अंदर जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएं वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट उसके अंदर डालते चले जाएं। अच्छा, बच्चों का जहन जो है ना आपने शुरू दिन से ऐसा ही बनाना है, कोशिश ये करनी है कि बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद छोटे छोटे उसको चीज़ें दें, छोटे छोटे टारगेट दें कि बेटा आपने ये काम करना है, इसको कैसे प्लस करना है, फलां चीज़ अगर आपको बेचनी पड़े तो कैसे बेच सकते हैं। बेशक उनको छोटी छोटी चीज़ें दे के उनको कहें कि इसके अंदर नई क्रिएशन पैदा करें, कोई भी चीज़ उसको दें, उसको कहें कि बच्चे को कहें कि इसके अंदर नई क्रिएशन पैदा करें। इसको अगर एक चीज़ बच्चे की नज़र में या आपकी नज़र में 10 रुपये की है, तो बच्चे को कहें कि इसके अंदर नई ऐसी क्रिएशन पैदा करके इसको जनाब आप 10 के बजाय इसको 20 में बेच के दिखाओ कि ये 20 में बिके। उनके दिमाग खोलें, उनके दिमाग इस तरफ ना लगाएं कि सिर्फ और सिर्फ बस सुबह से लेकर रात तक उन्होंने रटा लगाना है, रटा लगाने के बाद उन्होंने पेपर देने हैं, पेपर में अच्छे नंबर आ जाए। अच्छे नंबर नहीं चाहिए, उनको अच्छा इंसान बनाना है आपने, और आने वाले वक्तों में वो आपसे आगे होना चाहिए। वो आगे तभी होगा, उसका जहन बड़ा होगा। छोटे छोटे स्किल आप सिखाएं उसको, और ख़ास तौर से आजकल तो जब से ये ऑनलाइन का ज़माना है, इन बच्चों को आप बजाय मोबाइल दे के गेमें खिलवा रहे हैं या कार्टून दिखा रहे हैं या आप कुछ और चीज़ें उसके ऊपर एक्टिविटीज़ जो है ना, हंसी मजाक की चीज़ें, लतीफ़े हो गए, ड्रामे हो गए, फिल्में हो गए, वो चीज़ें जो देखने के बजाय आप वो चीज़ें उनको दिखाएं, वो चीज़ें उनको वो साइड्स निकाल के उनको दें कि बेटा आप ये चीज़ें देखो, समझो, और इसके ऊपर जो है ना आप काम करो। और बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं लाखों रुपए जो है ना घर बैठे कमा रहे हैं। ये आप बिल्कुल हमारे से पूछेंगे तो हम भी आपको बहुत, ये भी इसमें बहुत बड़ी डिटेल है, लेकिन आज आप चले जाएं गूगल पे चले जाएं, आप जाके यूट्यूब पे जाके चेक कर लें कि कितने बच्चे जो हैं लाखों रुपए यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं घर में बैठ के ऑनलाइन जो है ना वो काम करते हुए। और कुछ बच्चे जो है ना अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ बच्चे जो है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। इसमें छोटी 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 चीज़ें जो है ना, छोटे छोटे टारगेट्स उनको दें कि भाई ऑनलाइन जो है ना ये आप अपनी सर्विसेज, बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं हमारे बच्चे, और हम जो है ना उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बहुत सारे बच्चे जो है ना उनका दिमाग बड़ा फास्ट होता है, लेकिन हमने उनको रट्टे पर लगाया हुआ कि स्कूल जाओ, रट्टा लगाओ, और उसके बाद आगे बस नंबर जो है ना बड़े ज़बरदस्त आने चाहिए। नंबर नहीं, बच्चे को इंसान बनाएं और उनको उनके दिमाग में वो चीज़ें डालें कि ये दिमाग में जब तक नहीं जाएगी, उनके दिमाग में जिस्म से वो काम नहीं करेंगे ना, उस टाइम तक वो आगे बढ़ नहीं सकते। उनको स्किल की तरफ लेके आए, स्किल कोई भी, बिजनेस से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, डिजिटल बिजनेस से रिलेटेड हो, और आपकी जनाब क्योंकि वो ज़माना अब ख़त्म हो गया जो पहले एक ज़माना था ना कि बैनर पोस्टर लगाते थे कोई भी चीज़ की पब्लिसिटी करने के लिए, या अखबार में इश्तहार, या केबल पे इश्तहार, या टीवी पे इश्तहार देते हैं। आजकल डिजिटल बिजनेस का ज़माना है, और डिजिटल का ज़माना होते हुए ना डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है सारा। तो आपने बच्चों को ये सिखाना है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग ऐसे मैनुअल दौर के लोग हैं हमारे आपके जैसे, जो मैनुअल दौर के लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि उनको उन्होंने अपना माल कैसे बेचना है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि क्योंकि ये मैनुअल दौर ख़त्म होते होते, इसमें भी 10-15-20 साल अभी लगेंगे, ये मैनुअल लोग ख़त्म होंगे, तो यंगस्टर जो है ना आते हुए जब हमारी एज में यंगस्टर पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो सारे पूरा मुल्क हमारा डिजिटलाइज हो चुका होगा। और आज आपको पता है कि बिज़नेस जो है ना तकरीबन पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन बिजनेस जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पाकिस्तान इस टाइम दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला मुल्क बन गया जो ऑनलाइन बिजनेस में और ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर बहुत आगे निकल गया। तो अपने आने वाले बच्चों को, आने वाली नस्लों को इस तरफ लगाएं, स्किल की तरफ लगाएंगे, और डिजिटल बिजनेस की तरफ आप लोग लगाएं। डिजिटल आपको सारी चीज़ों का जो है ना, अगर एक एक कोर्स भी आप करें तो मेरे ख्याल से बच्चों को जो है ना साथ साथ अगर आप एक एक कोर्स भी कराएं तो वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, आजकल जो बच्चे इतने तेज़ हैं, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में जो है ना वो सीख जाएंगे, वो कोर्स सीख जाएंगे, और घर में बैठ के सर्विसेज जो है ना आप दे सकते हैं। आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला मैं ये भी बताऊँगा
करूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो मुझे पता है कि कौन कौन से ऐसे ब्रांड हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऐसे इंपोर्टर हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल हैं जो अपने माल को डिजिटलाइज तरीके से बेचना चाहते हैं। वो बच्चे जो डिजिटलाइज हो जाएंगे वो इन लोगों को सर्विसेज भी दें तो मेरे ख्याल से लाखों रुपए बैठ के घर में कमा सकते हैं, अपने वालदैन का हाथ बटा सकते हैं, अपने वालदैन का जो बोझ पड़ा हुआ है आपकी पढ़ाई के ऊपर वो लाखों रुपए जो लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो लाखों रुपए पढ़ाई के भी पैसे निकलेंगे और साथ साथ वो जो बाकी बचेंगे वो अपने वालदैन को भी दे सकते हैं, उनका भी सहारा बन सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि इसमें जब बच्चा बड़ा होगा 18 साल या 20 साल का होगा तो तब वो कमाने पर जाए, आप बच्चे को अभी भी लगा सकते हैं, 5th क्लास के 4th क्लास के 7th क्लास के 10th क्लास के, यानी कि जो छोटी उम्र के 10-12 साल के बच्चे हैं वो लाखों रुपए कमा रहे हैं ये सिर्फ सर्विसेज देके। तो अपने बच्चों को जो है ना इस तरफ आप लोग लगाएं, और अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो बिल्कुल आप सवाल भी कर सकते हैं, और नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में जाके हमारे से सवाल करें और इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। और जो लोग हमारे पिंडी इस्लामाबाद से हैं वो लोग हमारे पास आ भी सकते हैं ऑफिस में, और ऑफिस में बैठ के हम फिजिकल भी उनसे मीटिंग करके इंशाल्लाह ताला बच्चों को भी और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, हम उनको जनाब हर किस्म की गाइडलाइन भी देंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे तकरीबन 35 से 40 साल हो गए बिजनेस के अंदर, और हर किस्म के बिजनेस को मैं समझता भी हूँ, मैंने किया हुआ भी है, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं ये नहीं है कि इधर उधर से रिसर्च करके जो है ना आप लोगों से गप्पे लगाने के लिए जो कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। ये आप लोगों का इसमें फ़ायदा है, और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, मेरे खुद भी बहुत सारे अजीज़ रिश्तेदार ऐसे हैं जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। फिज़िकली बहुत सारे लोग अभी मेरे पास, बहुत सारे टीचर्स वगैरह भी आते हैं मेरे पास, और लोग भी आते हैं जो माशाल्लाह मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनको नए जो अंदाज़ हैं डिजिटलाइज के वो नहीं पता होने की वजह से, अब वो बेचारे अपने ज़माने में उन्होंने FA BA MA कर लिया या DM MA कर लिया, एक ज़माना था मास्टर कर लिया, लेकिन उनको डिजिटलाइज का नहीं पता। तो आप लोग अपने बच्चों को ये स्किल लाजमी सिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है, आने वाले वक्तों में बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आप इन बच्चों को रट्टे में लगाए रखें, उनको नंबरों में लगाए रखें, वो अपने 10-20 साल 22 साल जो है ना ख़राब करने के बाद फिर डिजिटलाइज की तरफ आएंगे तो उस टाइम बच्चों का दिमाग वो नहीं चलेगा। जो बच्चा छोटी उम्र में 5 से 20 साल की उम्र के अंदर अंदर आप जितना उनको सिखा देंगे वही सारी उम्र उनके काम आएगा। अगर बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है तो आप लाजमी जो है ना स्किल की तरफ बच्चों को लेके जाएं, पढ़ाई भी थोड़ी करें, इतनी ना करवाएं कि जनाब वो जो है ना बेफजूल किस्म की, हम कई कई साल जो है ना FA BA में लगा देते हैं या मास्टर में लगा देते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों में लगा देते हैं। स्किल की तरफ जो है ना आप ज़्यादा ध्यान करें, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा तो आपका घर भी, आपका ख़ानदान भी सारा खुशहाल होगा। तो इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी है, लेकिन आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने हल्का बाप में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ये लाजमी शेयर करें। हो सकता है कि किसी का भला हो जाए, हो सकता है कि किसी का आपने भला किया हो तो वही भला जो है ना आपके किसी काम आ जाएगा। इंशाल्लाह तआला मुलाकात रहेगी नेक्स्ट, इंशाल्लाह नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपके पास फिर दोबारा आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।